स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं बच्चों? मैं जानती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बच्चों, मैं कौन हूँ आपकी हिंदी वाली मैम? मेरा नेम क्या है? मिसेस प्रियंका। तो मैं आपको आज हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के कुछ और अक्षर सिखाऊंगी। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए मिलकर वीडियो को देखते हैं। भा से भालू। भालू जो है बच्चों, वो एक जंगली जानवर है जो कि जंगलों में पाया जाता है, और अगर हम देखना चाहें तो चिड़ियाघर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये चिड़ियाघर में भी पाया जाता है। माँ से मछली। मछलियाँ बच्चों बहुत तरीके की होती हैं, और यह है नदियों में, तालाब में, समुद्र में भी पाई जाती हैं। हर जगह ये अलग अलग आकार की होती हैं, कहीं छोटी तो कहीं बड़ी पाई जाती हैं। या से यज्ञ। यज्ञ जो है बच्चों, वो ऋषि मुनि यानी बाबा और पंडित लोग करते हैं भगवान को खुश करने के लिए। रा से रस्सी। रस्सी जो है बच्चों, वो किसी चीज़ को ज़्यादातर बांधने के काम आती है। ये बहुत मजबूत भी होती है और कमज़ोर भी होती है, ये हर तरीके की होती है, पतली मोटी लंबी छोटी हर तरीके की। लास्ट से लड्डू। तो बच्चों, लड्डू एक मिठाई है जो बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, पर लड्डू की एक खासियत है कि ये गोल ही होता है। व से वस्त्र। वस्त्र जो है बच्चों, बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत रंग के होते हैं। हर व्यक्ति अपनी ही पसंद से वस्त्र पहनना पसंद करता है और पहनता है। श से शंख। शंख बच्चों नदी और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, और इसको हम बजा भी सकते हैं। इसमें से बहुत अच्छी आवाज़ आती है और बहुत तेज भी आती है आवाज़। श से षटकोण। बच्चों, षटकोण जो है, इसके छह कोण होते हैं, इसलिए इसको षटकोण कहते हैं। बच्चों, आज हमने हिंदी वर्णमाला के कुछ और अक्षरों को जाना, जिनसे आने वाले शब्दों को हमने सीखा। तो बच्चों, आपको पसंद आया? वेरी गुड। तो आपने एंजॉय किया है ना? गुड। तो बच्चों, आगे का हम आगे की क्लास में सीखेंगे। ओके, बाय बाय क्लास।